GPS auntie bolche, you have arrived. So, pohche gelam family. शेर पोषा लगे और ये फैक्ट्री है, यहाँ पर सब शायद प्रोसेसिंग होता है चाय के पत्ते। एंट्रेंस नहीं, सब भी तो बाहर रहती है। आई मन करता है एंट्रेंस कोई फैक्ट्री है ना, यानी कि प्रोसेसिंग करे। बस मन करता है यूं ही निकल जाऊं, घुमक कर बने प्रकृति की गोद में। बस मन करता है एक ऐसी ज़िंदगी बिताऊं जो कि यादगार बने रहे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखने लायक इतना ख़ास कुछ नहीं है, पर जो भी है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। जितना भी आपका व्यूज़ जाता है सिर्फ बागान ही बागान है चाय के। तो इस तरह का है यहाँ का सीनरी, लोगों की चहल पहल भी थोड़ी बहुत है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर सामने जा रहे हैं और थोड़ी बहुत रिकॉर्ड कर लेंगे जितना भी हो सके और एंजॉय करते रहो ये ब्लॉग। यहाँ पर ये एक खुला मैदान है और मैदान में मुर्गियाँ और गाय भैंस अपना चारा खा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ रबर टी भी है, रबर बागान के है। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके बंधु बोले आपको एगिए गए देखे अपने कौन मेस पर आई और कुछ इस तरह से टुम्पा अपना मोटो ब्लॉगिंग करता है और ऐसे हम सेल्फी वाले वीडियो भी ले लेते हैं, लेकिन पीछे की तरफ और सामने की तरफ सड़क पर नजर रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सामने की तरफ एक मोर आ रहा है दाई तरफ। लैंडस्केप तो देखो, ब्रेथ टेकिंग व्यू है। सामने की तरफ এদিকে সরকাররা
हमारे त्रिपुरा बहुत सुंदर है। आप लोग दोस्तों हमारे स्टेट में आइए, बहुत सारे फ्री में घूमने के लिए जगह हैं ट्रेवलर्स के लिए, तो बहुत ही प्यारी सी जगह भरपूर है हमारे त्रिपुरा में। बहुत पुराने पुराने पेड़ है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहूँगा और एम्बियंट साउंड रिकॉर्ड करूँगा। दोस्तों पैसा कमाना बहुत ही कठिन काम है। ये जो आप लोग ये चाय बागान देख रहे हो, इन चाय बागानों में सांप बहुत रहता है और इन पौधे के जड़ों में बहुत कन खजूरा इंसेक्ट्स और इस तरीके की बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो सब ये इग्नोर करके यहाँ पर सब अंटिया यहाँ पर अपने पत्ते कलेक्शन कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, एक सड़क हम लोग पकड़े हैं, ये शायद एयरपोर्ट तक जाता है। एयरपोर्ट तक जाने का कोई हमारा इरादा नहीं है, बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर द अनसीन। और इन पेड़ के छाव के अंदर गर्मी तो नहीं लग रहा है पर स्वेटिंग बहुत होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इस कारण। तो हम लोग अभी रिवर्स कर रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे। सोच रहा हूँ उस तरह से देखने के बाद यहाँ से इस तरह का इस्तेमाल करते हुए। फिलहाल के लिए हम लोग हेलमेट नहीं पहने हैं क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं है इस एरिया में, तो हेलमेट पहन के ब्लॉगिंग करना थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए खोल के मैं अपने बैग में डाल दिया था। तो इस तरह का कुछ मंजर है यहाँ पे। पता नहीं ये कौन सी पेड़ है, शायद रबर के पेड़ होंगे। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। वो एक प्लेन जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट नज़दीक है यहाँ से।
एकदम दर्शनी के अनुभव। बिल्कुल ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम लोग दार्जिलिंग घूमने गए हैं, पर गर्मी बहुत है। Thank you.